नमस्ते आदाब एंड हेलो इंडिया, मैं हूं आपका हैशटैग फ्रेंड सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं रेडियो का म्यूजिकल ट्रेंड सेटिंग शो हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम। आज जिन ट्रेंड सेटिंग गानों और उनकी म्यूजिकल स्टोरीज आपके लिए लाया हूं, सबसे पहले सुनिए उनका ये ट्रेलर। आज बताऊंगा कि हाय रे हाय तेरा घूंघटा, ये गाना पंचम दा ने कैसे बनाया, कहां से सुनकर बनाया और क्या था इसका ओरिजिनल सोर्स। फिर बताऊंगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना फिल्म कभी कभी के लिए बना ही नहीं था, फिर किसके लिए बना था ये भी पता चलेगा आज। फिर बताऊंगा कि कैसे एक फ्लॉप म्यूजिक एल्बम के एक गाने ने बदल दी जतिन ललित की किस्मत। इनके अलावा जो और म्यूजिकल स्टोरीज होंगी उनमें होगी बात उस गाने की जिसके एक नोट को पकड़ने में कुमार शानू को लग गए करीब 2 घंटे। तो ये सब जानने के लिए स्विच ऑन कर लीजिए अपना म्यूजिकल मोड और सुनते रहिए हैशटैग सलीम पर हिंदी सिनेमा के ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम, जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल स्टोरीज ओनली ऑन बिग एफएम। और आज के शो का स्टार्ट करते हैं पंचम दा के उस ट्रेंड सेटिंग गाने से जिसमें बात की गई है किसी के घूंघटे की। हाय रे हाय तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा। ये कमाल का गाना, इंटरेस्टिंग पर्कशंस का यूज, एकदम पंचम दा का स्टाइल है। फ्रेंड्स, ये गाना पंचम दा के म्यूजिक, किशोर दा और आशा जी की आवाजों की वजह से आज भी बहुत पॉपुलर है। ये फिल्म थी ढोंगी, एक्टर थे रणधीर कपूर और नीतू सिंह जी। फिल्में आकर चलती जाती है मगर गाने हमेशा बने रहते हैं, जैसे कि ये सॉन्ग हाय रे हाय तेरा घूंघटा। कोई उठाए तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा। अब इस गाने के बारे में कमाल की बात बताता हूं कि पंचम दा ने यह गाना कैसे बनाया, सुनिए। हुआ ये कि उनके एक क्लासमेट थे बादल भट्टाचार्य। बादल जी की वाइफ मिली भट्टाचार्य एक बार एक बंगाली गाना गुनगुना रही थी और वो गाना था पूर्णदास बाउल का बंगाली गाना मिनो का माथाए दिलो घूमटा, सुनिए। ये गाना सुनते ही पंचम दा ने पूछा कि क्या मैं ऐसे मोल्ड करके एक नया गाना बना सकता हूं। तब मिली ने कहा हाँ क्यों नहीं बनाइए। और इसके कुछ दिन बाद ही पंचम दा ने मिली जी को बताया कि तुमसे जो सुना हुआ गाना था मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। जब मिली जी ने पंचम दा वाला वर्जन सुना तो वो बिलीव ही नहीं कर पाई कि उस सिंपल से गाने से पंचम दा ने ऐसा अमेजिंग सॉन्ग बना दिया है। और ये बात वाकई सोचने वाली है कि कहां इसकी ओरिजिनल ट्यून और कहां ये पंचम दा का इम्प्रोवाइजेशन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंस्ट्रूमेंटेशन से लेकर बेसिक ट्यून जिस तरह से उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन द फैक्ट इज दैट दिस सॉन्ग वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय अ फोक सॉन्ग। पंचम दा ने बहुत सारे गाने कुछ सुनकर इंस्पायर होकर उस पर इम्प्रोवाइज किया है। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज दैट घूमटा को उन्होंने घूंघटा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो साउंड घूम का साउंड बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए ही मेड श्योर दैट ही वांट्स टू रिटेन दैट घूम, चाहे वो घूमटा हो या घूंघटा हो। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू #सलीम, जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल स्टोरीज ओनली ऑन बिग एफएम। और अब बात यश चोपड़ा जी की। यूं तो यश जी ने बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनाई है बट कभी कभी के रोमांस की बात ही कुछ और है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यश जी को कभी कभी टाइटल और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये सॉन्ग कैसे मिला, सुनिए ये म्यूजिकल कहानी। कभी कभी बनने से बहुत साल पहले डायरेक्टर चेतन आनंद जी देव आनंद और गीता बाली को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था काफिर। इस फिल्म में साहिर लुधियानवी जी की एक नज़म को रिकॉर्ड किया गया था गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाज में। म्यूजिक था खयाम साहब का। किसी रीजन से वो फिल्म बनी नहीं और साहिर साहब और खयाम साहब को लगने लगा कि इतनी बेहतरीन नज्म वेस्ट हो रही है। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद यश चोपड़ा जी एक शायर के रोमांस पर
एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे। उनकी टीम में साहिर लुधियानवी साहब और खयाम साहब दोनों ही थे। तो साहिर और खयाम को याद आया कि चेतन आनंद जी के लिए रिकॉर्ड किया वो गाना यश जी की कहानी में फिट हो जाएगा। और फिर खयाम साहब ने चेतन आनंद जी से पूछा कि अगर उस नज्म को आप यूज नहीं करने वाले हैं तो हम उसे यश जी को दे दें। चेतन आनंद जी ने उस वक्त कह दिया कि हाँ दे दो, अब मेरे लिए वो आउटडेटेड हो गई है। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो इस तरह चेतन जी के लिए आउटडेटेड हुई वो नज़म में थोड़े चेंजेस करवा कर यश जी ने उसे यूज किया। उसी नज़म पर अपनी फिल्म का टाइटल भी रखा कभी कभी, और टाइटल सॉन्ग भी बनवाया जो आज तक हिंदी सिनेमा के सबसे अमेजिंग रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक है। एक फ्लॉप एल्बम के किस गाने ने बदल दी जतिन ललित की किस्मत, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। और अब बात एक फ्लॉप एल्बम के उस गाने की जिसने बदल दी जतिन ललित की किस्मत। कौन सा था ये गाना, ये म्यूजिकल स्टोरी सुनिए। बात तब की है जब जतिन ललित की बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित लंदन में एक म्यूजिकल शो कर रही थी, और दोनों भाई उनके शो के ऑर्केस्ट्रा टीम संभाल रहे थे। उनकी ऑर्केस्ट्रा टीम में कुछ ब्रिटिश म्यूजिशियंस भी थे। तो काम करते करते कभी कभी जतिन ललित उन म्यूजिशियंस के साथ अपने स्कूल कॉलेज के डेज के बनाए गानों का इंस्ट्रूमेंटेशंस कर लिया करते थे। करते करते उन गानों का एक कलेक्शन बन गया। इंडिया वापस आकर दोनों ने लंदन में कंप्लीट किए अपने गानों का एक एल्बम रिलीज किया, ये सोचकर कि ये एल्बम हिट हो जाएगा तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये एल्बम फ्लॉप हो गया। लेकिन इस एल्बम में एक गाना ऐसा था जो एक फिल्म प्रोड्यूसर मिर्जा ब्रदर्स को पसंद आ गया। उन दिनों मिर्जा ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था यारा दिलदारा। तुम भी हमारी हो मंजिल मायला, ये आवाज देता है दिल मायला। मिर्जा ब्रदर्स ने जतिन ललित से कहा, मुझे तुम्हारे एल्बम का एक गाना बहुत पसंद है, मैं इसे अपनी फिल्म में रखना चाहता हूँ और मेरी फिल्म के बाकी गाने भी तुमसे कंपोज करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह जतिन ललित को अपने फ्लॉप एल्बम के एक गाने से अपनी पहली फिल्म मिली। बट उनकी फर्स्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन अगेन उनका वो गाना चल गया और सुपर हिट हो गया, और उस गाने की वजह से उनके घर की फोन की घंटियां बजने लगी और उनको फिल्म के ऑफर्स आने लगे। दोस्तों ये गाना था बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। इसी गाने से बदल गई जतिन ललित की जिंदगी, इसी गाने की वजह से मिली उन्हें फिल्म खिलाड़ी। आगे बताऊंगा एक ऐसे गाने के बारे में जिसके एक नोट को पकड़ने में कुमार शानू को लग गए करीब 2 घंटे। कौन सा था ये सॉन्ग, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, यह है बिग एफएम का वादा। और अब एक ऐसे गाने की बात जिसके एक नोट को गाने में कुमार शानू को लग गए 2 घंटे। कौन सा था यह गाना, सुनिए इसकी म्यूजिकल स्टोरी। बात है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के एक गाने की। ये गाना था चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इस गाने की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की लाइन है चुरा के दिल मेरा, वो लाइन में जंपिंग नोट्स बहुत है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अगर सिंगर को सुर सही नहीं मिले तो कभी कभार बहुत वक्त लग सकता है। गाना सुनने के वक्त ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग बहुत सिंपल है, बट ऐसा नहीं है, ये गाना थोड़ा मुश्किल है।
और जब कुमार शानू और अलका याग्निक ने इसे रिहर्स किया तो अलका याग्निक ने नोट पकड़ लिया। चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली। बट शानू थोड़े अटक गए, वो माइक पर गए और जैसे ही गाया चुरा के दिल मेरा, वो बहुत लाउड था और जब सॉफ्ट गा रहे थे तो सुर नहीं लग रहे थे और जैसे म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक चाह रहे थे वैसा नहीं आ रहा था, टेक ओके ही नहीं हो रहा था। फिर से शानू को गाना समझाया गया, वो फिर गए बट फिर से वही स्टार्टिंग में जो सॉफ्ट नोट चाहिए था वो नहीं आ रहा था। बार बार रीटेक होने के बाद शानू 2 घंटे कोशिश करे और फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे जाने दो, मुझसे नहीं होगा। सबको लगा कि शानू शायद भागने के चक्कर में है, पर वाकई में शानू का नोट नहीं लग रहा था और कभी कभार होता है, कभी कभार सिंगर फंस जाता है। बट समाओ शानू ने फिर एक बार रिहर्स किया और उसके बाद जब वो माइक पे गए तो ऐसा सुर लगा कि सबका दिल खुश हो गया। चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, उड़ा के निंदिया, कहां तू चली। और दोस्तों ये गाना आज भी उतना ही ट्रेंड सेटिंग और अमेजिंग लगता है जितना कि तब। आजकल एक बुरा ट्रेंड आया है जहां पे गाने रीमेक हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ये गाना रीमेक होने वाला है। आगे बताऊंगा कि क्यों दिलीप कुमार से अपना नाम बदला एआर रहमान ने, ये पूछा है आज हमारे एक लिसनर ने। तो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगा कि क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ ये और कैसे बने दिलीप कुमार एआर रहमान। ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। अब एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 गानों की म्यूजिकल कहानी सुनाऊंगा और वो भी एक साथ। ये 3 गाने कौन से हैं पहले ये सुन लीजिए। सॉन्ग नंबर 1 इज चांदनी रात है तू मेरे साथ है। सॉन्ग नंबर 2 इज हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। एंड सॉन्ग नंबर 3 इज एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आए। इन 3 सॉन्ग्स को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने, बट ये 3 सॉन्ग्स उनके नहीं थे। फिर उन्हें ये सॉन्ग्स मिले कैसे, सुनिए ये स्टोरी। ये बात तब की है जब अभिजीत स्ट्रगल कर रहे थे, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहते थे। उन्हीं दिनों यानी कि 1990s में एक फिल्म बन रही थी बागी। इस फिल्म के सारे गाने सिंगर अमित कुमार गाने वाले थे। फिल्म के कुछ गाने रिकॉर्ड भी हो चुके थे और कुछ पेंडिंग थे। एक दिन हुआ ये कि फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में होने वाली थी। कंपोजर आनंद मिलिंद रिकॉर्डिंग के लिए रेडी थे और वेट कर रहे थे अमित कुमार का। तभी उन्हें खबर मिली कि अमित कुमार मुंबई में नहीं है। उनके डेट्स तो लॉक थे, फिर भी वो किसी अर्जेंट काम से कलकत्ता चले गए। अब आनंद मिलिंद को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। इधर प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि गाना तो आज ही चाहिए। आनंद मिलिंद सोचने लगे कि इतनी जल्दी दूसरा सिंगर कहां से लाए। तभी उन्हें पता चला कि अभिजीत भट्टाचार्य स्टूडियो के बाहर टहल रहे हैं। उन दिनों स्टूडियो के बाहर खड़े रहना अभिजीत का रूटीन काम हुआ करता था। तो जल्दी से अभिजीत को बुलाया गया और फटाफट उन्हें गाना समझाया गया और सीधे रिकॉर्डिंग रूम में भेज दिया। अभिजीत ने रिहर्सल में और फिर रिकॉर्डिंग में बहुत मेहनत की और इस तरह अचानक अमित कुमार का गाना मिल गया अभिजीत भट्टाचार्य को और उनका गाया गाना सबको इतना पसंद आया कि उनको बाकी बचे हुए गाने भी दे दिए गए और इस तरह से अभिजीत भट्टाचार्य का करियर टेक ऑफ हो गया। दोस्तों किस्मत क्या कमाल की चीज है, सही कहते हैं गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। आगे बताऊंगा कि क्यों दिलीप कुमार से अपना नाम बदला एआर रहमान ने, ये पूछा है आज हमारे एक लिसनर ने। तो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगा कि क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ ये और कैसे बने दिलीप कुमार A.R. रहमान। ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। और अब आज के शो का लिसनर क्वेश्चन।
आज हैदराबाद से प्रेरित गौतम ने पूछा है कि दिलीप कुमार से कैसे बने एआर रहमान, क्यों किया उन्होंने अपना नाम चेंज। तो सुनिए प्रेरित, रहमान के नाम चेंज की यह स्टोरी। रहमान बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही दिलीप कुमार नाम थोड़ा अजीब लगता था, उन्हें लगता था कि ये उनकी इमेज के साथ नहीं जाता है, इसीलिए वो तब से ही अपना नाम बदलना चाहते थे। फिर एक बार उनकी मदर अपनी बहन की शादी की बात करने एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। उस एस्ट्रोलॉजर ने रहमान को देखकर कहा कि ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम होना चाहिए अब्दुल रहमान या अब्दुल रहीम। बस अब्दुल रहमान का रहमान दिलीप कुमार को पसंद आ गया और उन्होंने सोचा कि वो अपना नाम चेंज करके अब्दुल रहमान रख लेंगे। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद रहमान की मदर को एक इंट्यूशन हुई कि उनके बेटे का नाम में अल्लाह रखा होना चाहिए, तो फाइनली रहमान ने अपना नाम चेंज करके अल्लाह रखा रहमान यानी ए आर रहमान रख लिया। ये मुस्लिम नाम उन्हें एक हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने दिया। ये नाम पहली बार ए आर रहमान ने अपनी फर्स्ट फिल्म रोजा में पब्लिकली यूज किया था। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन तरसे नैना। तो प्रेरित, आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो मैं आपको ए आर रहमान का ये एक शानदार गाना सुनाते हुए आपसे इजाजत लूंगा। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट।